भिलाई तीन व्यवहार न्यायालय परिसर में मंगलवार को अधिवक्ता संघ द्वारा काला फीता लगाकर कार्यों का संपादन किया गया। अधिवक्ता संघ ने रायगढ़ में अधिवक्ताओं के साथ राजस्व विभाग के तहसीलदार व कर्मियों द्वारा मारपीट व दुर्व्यवहार किए जाने का विरोध जताया। उन्होंने अधिवक्ताओं पर की गई कानूनी कार्रवाई को गलत बताते हुए राजस्व विभाग पर कार्रवाई की मांग की। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हम सब अधिवक्ता संघ भिलाई सदस्यगण, अधिवक्ता संघ रायगढ़ सदस्य गण के ऊपर तहसीलदार एवं कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार एवं मारपीट के संबंध में आज अधिवक्ता संघ भिलाई काली पट्टी लगाकर उनके द्वारा किए गए कृत्य के हम लोग आज विरोध स्वरूप प्रदर्शन एवं काली पट्टी लगाकर कार्य कर रहे हैं। और अधिवक्ता संघ भिलाई राजस्व न्यायालय के तहसीलदार एवं कर्मचारी द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार की घोर निंदा करती है और घोर निंदा प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा और घोर निंदनीय कृत्य किए गए हैं। साथी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उस संबंध में आज अधिवक्ता संघ भिलाई तीन हमारा पूरा वकील समाज इसकी घोर निंदा करता है। राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारियों के संबंध में समस्त जनता भली बातें जानती है कि उनका व्यवहार वकीलों के प्रति पक्षकारों के प्रति किस प्रकार रहता है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आशा है सभ्य समाज भी इसका सहयोग करेगा। रायगढ़ में पदस्थ नायब तहसीलदार और उसके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा अधिवक्ता संघ रायगढ़ के हमारे एक सदस्य के साथ उनके कार्य के दौरान उनके साथ मारपीट कर दुर्व्यवहार किया गया था, जो कि एक निंदनीय कृत्य है। और अधिवक्ता संघ भिलाई तीन नायब तहसीलदार और उसके कर्मचारी द्वारा किए गए उक्त कृत्य की घोर निंदा करता है। और तत्संबंध में हमारे अधिवक्ता संघ भिलाई तीन ने आज दिनांक 15/2/2022 को निंदा प्रस्ताव पारित किया है और उक्त संबंध में महामहिम राज्यपाल जी को भी अवगत कराया जाएगा, जिसके संबंध में उनको ज्ञापन प्रेषित आज किया जाएगा महामहिम राज्यपाल जी को। छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के आह्वान पर आज भिलाई तीन अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारी और जितने भी सदस्य हैं वे अपने शर्ट पर काली पट्टी बांधकर नायब तहसीलदार और जो दोषी कर्मचारी है उसके कृत्य के विरोध में आज हम सभी शांतिपूर्वक विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाकर अपना न्यायालयीन कार्य संपादित कर रहे हैं।